नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे दोस्तों आपको पेंट प्लाजो की कटिंग करने का बिल्कुल आसान तरीका। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों तो कटिंग के लिए हम सबसे पहले नाप जान लेते हैं। जो हमने लंबाई तैयार रखनी है वो 38½ तैयार रहेगा हमारा नाप लेंथ का, और जो मोरी रखनी है हमने 12½ इंच तैयार रखनी है। जो जो हिप आएगी प्लाजो के हिसाब से जो नाप लिया जाता है, हिप का जो हमने नाप लिया है वो 38 इंच तैयार है। तो इसी में लूजिंग देने के बाद हम तैयार नाप कटिंग करेंगे। तो हमने इसके लिए 2½ मीटर ये ऑरेंज कलर का कपड़ा लिया है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं कि कैसे करनी है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमने कपड़ा किस तरीके से ये बिछाना है कटिंग करने के लिए। ये हमारी कन्नी वाली साइड है, ये दोनों हमारी जिस जो कन्नियाँ होती हैं उस साइड मैंने अपनी साइड रखी है, कन्नी वाली साइड। और इधर से मैंने फोल्ड करके ये पीस बिछाया हुआ है इस प्रकार। ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा वीडियो में देखने से कि मैंने कैसे बिछाया कपड़ा। अब इसको हम पूरे कपड़े को सेट कर लेते हैं ताकि नीचे कोई सलवट ना रहे, और ऊपर की साइड से बिल्कुल हमने सीधा निशान लगाना है एक इस प्रकार। ये हमारा बिल्कुल सीधा निशान लग गया है। अब हम लेंथ का निशान लगाएंगे। ऊपर से हमने 1/2 इंच छोड़ना है, 1/2 इंच कम रखना है बेल्ट के लिए, क्योंकि बेल्ट ज़्यादा होती है, 1 इंच की 1 या 1/2 इंच की बेल्ट लगती है, तो इसलिए हमने 1/2 इंच छोड़ना है। और जो लेंथ का निशान लगाएंगे वो तैयार लेंथ का निशान लगाएंगे 38½। 2 इंच का नीचे रखेंगे मार्जिन, इसको 2 से 2½ या 2.5 भी कर सकते हो आप। यहाँ पे भी हम बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे। ये हमारी मोरी का निशान लग गया है, और नीचे जो एक्स्ट्रा है वो फोल्ड होने का। अब दोस्तों हमने आसन रखना है, आसन रखना है हमने 10½ इंच। आसन का जो आसान सा तरीका होता है वो लेंथ के हिसाब से रखा जाता है आसन। अगर 38½ है तो हम 10½ इंच आसन रखेंगे, अगर लंबाई हमारी 38½ है तो हम रखेंगे 10½, और ये अगर 40 हो जाती है तो हम 11 इंच रखेंगे, और 42 हो जाती है तो 11½। सिर्फ इतना ही आसन रखना है। अगर उसके बाद लेंथ कितनी भी हो और साइज कुछ भी हो, आपने 11½ से ज़्यादा आसन नहीं रखना है बिल्कुल भी। आसन बढ़ाने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। आसन कटिंग इतना ही करना है, बैक साइड बढ़ती है। अगर साइज कितना भी हैवी होता है, जैसे हिप हैवी हो जाती है, सपोज करो हिप आ जाती है हमारी 45 इंच, तो हम 11 या 11½ ही आसन काटेंगे, और आसन हमने 11 इंच ही काटना है। तो इसका मैं बैक साइड आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम आसन को बड़ा भी कर सकते हैं बैक साइड से। जो मैंने आसन का निशान लगाया है उसको भी हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे इस प्रकार, और निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हमने 0.5 से 1/4 इंच छोड़ते हुए आगे तैयार का निशान लगाना है। जैसे हिप है हमारी 38, तो इसका हम चौथाई हिस्सा करेंगे तो 9.5 इंच आएगा। 9 चौक 36 + 2, ये 9.5 इंच हमारा चौथाई हिस्सा आ जाएगा 9.5 में 38 का। उसके बाद यहाँ पे हमने 1/4 इंच की लूजिंग देनी है, 1/4 इंच की आगे लूजिंग देनी है, और इस निशान को बिल्कुल सीधे इस प्रकार लगा लेना है। ये मैंने बिल्कुल सीधा निशान लगाया है। अब हमने आगे की 2½ इंच एक्स्ट्रा कटिंग करनी है, यहाँ पे 2½, और इसमें इस तरीके से निशान लगाते हुए गोलाई देनी है। ये मैंने गोलाई दे ली। अब हमने क्या करना है, ऊपर से 0.5 से 1/4 इंच, 0.5 से 1/4 इंच आसन की साइड से डाउन करना है इस प्रकार। दोस्तों ये मैंने 0.5 इंच डाउन किया है, और यहाँ पे हम सेंटर का निशान लगाएंगे। जैसे ये हमारा 13½ इंच आ रहा है तो हम 7.25 पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब हमने ये देखना है कि जैसे यहाँ पे 7½ है,
इस साइड भी हम यहाँ आधा इंच छोड़ते हुए पौने सात पे निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को स्ट्रेट सीधा कर लेंगे। ये मैंने दोस्तों बिल्कुल सीधे निशान लगाए हैं। जैसे यहाँ से सबसे पहले मैं आपको एक बार और बताना चाहूंगा, ये हमने सेंटर किया है, 13.5 का मैंने पौने सात लिया है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पे हमारा जो ये निशान लगाया था यहाँ से हमारा पौने सात आएगा। नीचे भी इतना ही इधर गैप छोड़ते हुए हमें पौने सात पे निशान लगाना है। ये मैंने पौने सात पे लगाया और इस निशान से ऊपर तक हमने इस प्रकार ये निशान लगाते हुए सीधी लाइन लगानी है। ये हमने बिल्कुल सीधी लाइन लगा ली है। अब हमने मोरी देखनी है कि हमें मोरी तैयार कितनी रखनी है। जैसे हमने 12.5 इंच मोरी तैयार रखनी है तो हम 6.25 पे निशान लगाएंगे। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम लगाएंगे 6.25 इंच पे तैयार निशान और इस ऊपर आसन से और मोरी तक इस प्रकार हम सेव देंगे सेव फट्टी से। ये मैंने सेव फट्टी से सेव दे दिए हैं और सेम इसी प्रकार हम इस साइड भी सेव देंगे। यहाँ पे हम फिर इसमें हल्की सी इस प्रकार गोलाई देंगे। ये हमारे पैंट प्लाजो के बिल्कुल सही तरीके से निशान लग गए हैं। अब हम इन्हीं निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। दोस्तों ये हमने प्लाजो पैंट का फ्रंट कटिंग कर लिया है। इसके बाद मैं आपको बैक साइड की कटिंग बताऊंगा। जैसे दोस्तों हमने फ्रंट का कपड़ा सेट किया था बिछा करके, उसी प्रकार हमने सेम तरीके से बैक के लिए, बैक की कटिंग के लिए कपड़ा सेट कर लिया है। अब हम जो हमने फ्रंट कटिंग किया था उसको इसके ऊपर इसी प्रकार बिछा लेंगे और सेट करेंगे। ये मैंने बिल्कुल उसी प्रकार फ्रंट सेट कर लिया है इसके ऊपर। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जो मैंने बताया था कि हमने आसन बड़ा नहीं काटना है, ज्यादा बड़ा आसन बिल्कुल भी नहीं काटना है। अगर हमें जैसे हिप ज्यादा होती है, सपोज करो किसी की 45 हिप है, तो हमने क्या करना है, यहाँ से 2.5 इंच ऊपर की साइड लेना है अगर 45 हिप है, और इस निशान को इतना क्रॉस कर लेना है यहाँ पे। तो जो ये हमारी बैक साइड वाला आसन आएगा वो एक्स्ट्रा आ जाएगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। क्या करते हैं लोग, सीधे काट देते हैं, इसी के साथ में बिल्कुल सीधा कटिंग कर देंगे और फ्रंट साइड तो ठीक आता है, बैक साइड से ये जो पेंट प्लाजो है फंस जाता है, ना आप बैठ सकते हो उसमें और ना ही आप अच्छी तरीके से चल पाते। तो इसलिए अगर हिप ज्यादा हो तो आपने यहाँ से 2.5 इंच बढ़ा लेना है। अगर आप हिप नॉर्मल है, जैसे हिप 38 इंच है, तो आपने 1 इंच से 1.25 इंच एक्स्ट्रा करना है। तो मैं यहाँ पे 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखूंगा और यहाँ पे निशान लगाऊंगा। दोस्तों एक बार मैं फिर बताऊंगा आपको, नॉर्मल हिप हो तो 1.25 इंच आपने एक्स्ट्रा रखना है, और अगर हिप ज्यादा हो 45, 46, 48, तो आपने 2 से 2.5 इंच या 2.75 इंच भी एक्स्ट्रा रख सकते हैं। आपने आसन बढ़ाने का सिर्फ यही एक जरिया नोट करना है, आपने आसन फ्रंट से नहीं बढ़ाना है।
क्या होता है, कई बार क्या करते हैं कि फ्रंट हमारा 12.5 इंच आसन काट दो, बिल्कुल गलत है। आसन इतना ही कटता है क्योंकि लो वेस्ट ज्यादातर लड़कियां डालती हैं, लेडीज भी लो वेस्ट वाली पैंट ही डालती हैं, तो आपको थोड़ा सा उससे भी अंदाजा हो जाता है कि हमने कितना आसन पहनना चाहिए और कितना कटिंग में रखना चाहिए। तो ये आसन छोटा ही काटते हैं। अगर हिप की वजह से आसन बढ़ाया जाता है तो बैक साइड में ही बढ़ेगा, और उसको 1.25 इंच से नॉर्मल हिप हो तो 1.25 इंच, और जो अगर ज़्यादा हिप हो 45-40 47 हिप हो तो हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा काटते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कटिंग करने का। अब हमने सेम इसी प्रकार से चौथाई करते हुए यहाँ से 2 इंच की लूजिंग लेनी है हिप में, जैसे हमने ये 1.5 इंच की ली थी, तो यहाँ पे हम 2 इंच की लेंगे और इस निशान को बिल्कुल सीधा लगाएंगे। यहाँ से भी हम 2.25 से 2.5 इंच लेंगे। इस प्रकार हम निशान लगाएंगे। अब हम नीचे से यहाँ से लेंगे 1.25 इंच। ये हमारे तैयार मोरी का निशान है, जो लूजिंग रहती है वो यहाँ पे बैक साइड में लूजिंग आ जाती है। अब दोस्तों जो हमारा ऊपर वाला निशान है ये, वहां से हम नीचे इस प्रकार निशान लगाएंगे सेफ पट्टी से। दोनों निशान हम इसी तरीके से मिला लेते हैं सेम। और यहाँ पे हम कटिंग करेंगे साइड से, हमारा बिल्कुल सेम जैसे पैंट फ्रंट की कटिंग की थी सेम हमारी कटिंग आएगी। बैक साइड में हमने मार्जिन छोड़ना है इतना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा ये तैयार नाप रहेगा ये वाला, और ये हम एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हैं ताकि हमें कभी लूज टाइट करना पड़ जाए पैंट, तो हम यहाँ से पैंट को लूज टाइट कर लेते हैं। प्रकार दोस्तों हमने ये प्लाजो पैंट की कटिंग कंप्लीट की है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें।